हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय एक बार पुनः भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था खंड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की प्रकृति के बारे में देखा और हम लोग पिछली चर्चा में यहां तक डिस्कस कर चुके थे कि भारतीय संविधान संघात्मक प्रवृत्ति का है और संघात्मक में भी यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था हमारे यहां है। स्वयं संविधान इस बात की घोषणा करता है भाग एक के अनुच्छेद एक के हवाले से कि हमारी राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है और वो भी यूनियन प्रकार की संघात्मकता है हमारे यहां। हालांकि हमारी जो यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था है इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं। जाहिर सी बात है, विशिष्टताएं होना लाजमी है क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि संघात्मकता के अलग अलग स्वरूपों, जिसमें हमने संघीय, परिसंघीय व महासंघीय में इनका त्रिविभाजन किया था, तीन अलग अलग विभाजन किए थे, उसमें हमने देखा था कि यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादातर शक्तियां प्रदान की गई होती है। केंद्र यहां अधिकतम स्वायत्तता का लुत्फ उठाता है, राज्य कहीं ना कहीं बैकफुट पे होते हैं, राज्यों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर करना पड़ता है। हालांकि केंद्र व राज्य के बीच शक्ति विभाजन की यह जो संकल्पना होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट होता है, यह किसी वैधानिकता की बुनियाद पर आधारित नहीं होता। मूलतः यहां पर निष्ठा की अवधारणा देखी गई है। राज्य को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि वह अपनी हर तरह की जरूरतों के लिए केंद्र पर निर्भर रहेगा और जब चूंकि उसे अपनी हर प्रकार की जरूरतों के लिए केंद्र के प्रति निर्भर रहना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसे केंद्र के प्रति निष्ठावान भी बने रहना होगा। केंद्र से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं। यही कारण है कि यहां पर डिसइंटीग्रेशन की भी कोई संभावना नहीं होती, यानी कहीं ना कहीं संघ की जो अखंडता है वो कमोबेश अक्षुण बनी रहती है। एनीवे, फिर भी हमारी संघीय व्यवस्था की कुछ विशिष्टताएं हैं। विशिष्टता कहने का तात्पर्य है कि जो जो पहलू आप हमारी संघीय व्यवस्था में देखेंगे, यानी भारत की संघीय व्यवस्था में देखेंगे, आमतौर पे विश्व के दूसरे संघात्मक संविधानों में वो चीजें नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है, अगर बाहर नहीं है और हमारे यहां मौजूद है तो हम कह सकेंगे ना कि यह हमारी विशिष्टता है। तो अभी जिस फेसेट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्टताएं। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्टताएं। यह हमारा आज का फेसेट है, आज का इशू ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इसको लिखेंगे इंग्लिश में डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यानी एक बात तो यहां तय हो गई कि हमारी जो राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति है वो बेसिकली संघात्मक है। अब इस संघात्मक व्यवस्था की क्या कुछ विशिष्टताएं हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, यानी ऐसे कौन कौन से इसके अंदर पहलू हैं जो आमतौर पे हमारी ही जैसी दूसरी व्यवस्थाओं में नहीं दिखता, हमारी ही जैसी विश्व में दूसरी जगह मौजूद व्यवस्थाओं में यह हमें नहीं मिलता। देखिए, पहली विशिष्टता ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी आपको फेडरल मोड ऑफ पॉलिटी दिखे, अधिकांश संदर्भ में आप देखेंगे कि विश्व में जहां कहीं भी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है वहां संघ व संघ के साथ साथ उसकी इकाइयां
जैसे हमारे यहां स्टेट्स हैं, यानी संघ के स्तर पे व उसकी इकाइयों के स्तर पे दोहरे स्तर पे संविधान का प्रावधान मिलेगा। यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की जगह डबल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान मिलेगा, एक संघ का संविधान दूसरा संघ की इकाइयां यानी राज्यों का संविधान। यानी यहां संघ की हर इकाई का अपना अपना संविधान होगा, यानी दोनों स्तर पे आपको संविधान की मौजूदगी दिखेगी। वैश्विक स्तर पे जहां कहीं भी संघात्मक प्रणाली आप पाएंगे, ये बड़ी कॉमन सी फिनोमिना है, लेकिन हमारी संघीय प्रणाली की अपनी विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? हमारे पास इकहरे संविधान का प्रावधान है, वी हैव द प्रोविजन ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सिंपली गवर्न्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स विच सिंपली फुलफिल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स ऑफ बोथ द यूनियन एज वेल एज इट्स यूनिट्स दैट इज स्टेट्स। यानी केंद्र व राज्यों दोनों ही की शासनिक प्रशासनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए हमारे पास एकल संविधान है, एक ही संविधान है। इसलिए आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं संविधान की उपस्थिति के मद्देनजर हमारी व्यवस्था में एक विशिष्टता आपको देखने को मिलेगी। फिर से समझिए, वैश्विक स्तर पे जहां भी फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम आपको दिखेगा, संघात्मक प्रकार की राज व्यवस्था दिखेगी, वहां आपको दोहरे संविधान का प्रावधान मिलेगा, एक संघ का संविधान यानी केंद्र का, दूसरा उसकी इकाइयों का यानी राज्यों का। लेकिन हमारे यहां वी हैव प्रोविजन ऑफ व्हाट? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी एकल संविधान, एकल संविधान। और इस संविधान को क्या नाम दिया जाता है? ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान। यह नहीं कहेंगे कि राज्यों का संविधान, भारत का संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और यही भारत का संविधान संघ व राज्य दोनों ही की जरूरतों को पूरा करता है। यानी जैसा कि हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की शासन प्रणाली के बारे में, शासन प्रणाली का जायजा हमें देता है, उस देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बयां करता है, देश के अंदर व्याप्त जो भी संस्थागत स्वरूप हैं उन्हें दर्शाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का किस तरीके से सीमांकन किया जाएगा, शासन व्यवस्था की प्रणाली क्या है, वगैरह वगैरह, यह सब कुछ संविधान बतलाता है। तो हमारे यहां केंद्र के स्तर पे कौन सी व्यवस्था है, राज्यों के स्तर पे कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इन सब का जायजा आपको एक ही दस्तावेज में मिल जाएगा, वो है भारत का संविधान। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, यह हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशिष्टता है, विशिष्टता है। अब चूंकि देखिए संविधान का नाम हमने क्या दिया? भारत का संविधान। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संविधान का झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है, राज्यों की तरफ कम है। तो भाई इस तरह की चीजें तो आपको दिखेगी ही यूनियन प्रकार की संघीय व्यवस्था में, क्योंकि यूनियन प्रकार की जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें हमेशा एक बात आप गांठ मान लेंगे कि संघ के पास राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तियां निहित होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब इसको देख के कोई कहे कि नहीं, भारतीय संविधान की तो प्रकृति एकात्मकता की तरफ इशारा कर रही है, तो ठीक है जी, एकात्मकता की तरह ऐसा प्रतीत होगा कि इशारा कर रही है, लेकिन आप उसे मानेंगे नहीं। उसे क्या मानेंगे? हमारी संघात्मकता की विशिष्टता मानेंगे, हमारी संघात्मकता की डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर उसे काउंट करेंगे। ओके, तो चलो जी, ये भारतीय संघीय व्यवस्था की पहली विशेषता हुई, पहली विशिष्टता हुई। दूसरी बात, एनदर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम और इंडियन फेडरलिज्म। देखिए हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है,
सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। आप किसके नागरिक हैं? चाहे आप किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप नागरिक किसके कहलाएंगे? भारत के नागरिक, है ना। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। भारत के नागरिक, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, मैं बिहार का नागरिक हूं, नहीं। आप इन प्रदेशों के निवासी हो सकते हैं, रेसिडेंट कहलाएंगे, सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे। यानी कोई भी राज्य अपने निवासियों को नागरिकता के आधार पर विशेष रियायतें नहीं दे सकता, नागरिकता के आधार पर नहीं दे सकता। हां, निवासी होने के आधार पर कई दफा आपने देखा होगा डोमिसाइल के स्तर पर, जो प्रदेश के डोमिसाइल होते हैं, वहां के एक तरह से मूल निवासी होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया होता है। तो मूल निवासी होने के आधार पर भले थोड़ी सी विशेष व्यवस्थाएं, विशेष सुविधाएं आपको आपकी संबंधित सरकार के द्वारा प्रदान की जा सकती है, लेकिन कोई यह कह के आपको विशेष सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश की सरकार आपके लिए अमुक अमुक व्यवस्थाएं कर रही है। नहीं, मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते भले विशेष रियायतें मिल जाए, लेकिन नागरिकता के आधार पर नहीं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं ही नहीं। आप किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर जहां कहीं भी आप संघात्मक राज व्यवस्था देखेंगे, वहां पर सेंटर के साथ साथ जो उसकी यूनिट्स है, स्टेट्स हैं, उन्हें भी नागरिकता देने का प्रावधान है, वो भी नागरिकता दे सकते हैं। यानी आप संघ के तो नागरिक होंगे ही होंगे, संघ के नागरिक के साथ साथ संघ के इकाइयों की भी नागरिकता आपको मिलेगी। अगर उस तरह की व्यवस्था का थोड़ा सा आभास करना चाहते हैं आप भारत के अंदर, तो आप जम्मू कश्मीर का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने निवासियों को नागरिकता के आधार पर भी विशेष रियायतें दे सकता है। यानी जम्मू कश्मीर का व्यक्ति एक तरफ भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, जम्मू कश्मीर का भी नागरिक होगा। तो आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान है, सामान्य परिचर्चा के अंदर हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जब संघ हुआ इकाइयों की बात होगी तो इकाइयों में हम जम्मू कश्मीर के लिए विशेष परिचर्चा आयोजित करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सेंटर स्टेट रिलेशन की मैं बात करूंगा। अभी जब भी संघ हुआ उसकी इकाइयों की मैं बात करूं, तो आप अपने मन मस्तिष्क में यह बात डेवलप कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर के संबंध में यह बात नहीं हो रही है। एक सेपरेट टॉपिक के रूप में हम लोग स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा करके हम लोग सीखेंगे, समझेंगे उसके बारे में। यहां जम्मू कश्मीर को आप बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब भारत संघ के साथ आप जोड़ेंगे तो तमाम मामलों में आपको दिखेगा कि इट सिंपली शेयर्स अ ट्रू फेडरल रिलेशनशिप विद द यूनियन। संघ के साथ वास्तव में जो फेडरल रिलेशनशिप होता है, जो अमेरिका जैसे संविधानों में, जैसे देशों में आप देखते हैं, उस तरह का आभास होगा जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। वो हमारी ऑर्डिनरी मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर है। ऑर्डिनरी मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 28 राज्यों के साथ लागू होता है, यानी ऑल द 29 स्टेट्स माइनस जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हम लोग विशेष प्रावधान के रूप में पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक के रूप में। तो कहने का मतलब कि यहां राज्य के आधार पे या संघ की इकाइयों के स्तर पे किसी भी तरह की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर कोई नागरिक है तो केवल व केवल भारत का नागरिक है, जबकि आमतौर पे ऐसी ही संघीय व्यवस्था में इसके विपरीत होता है। संघ की भी नागरिकता आपको मिलेगी, संघ की इकाइयों की भी नागरिकता आपको मिलेगी। आप जिस स्टेट से ताल्लुकात रखेंगे उस स्टेट के नागरिक भी कहलाएंगे, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, यह जो अवधारणा है हमारी संघीय व्यवस्था में, आपको नहीं लगता कि हमारी संघात्मकता की विशिष्टता की तरफ इशारा करती है, पिकुलियरिटी की तरफ, डिस्टिंक्टिवनेस की तरफ? ओके, okay.
हमारी संघीय व्यवस्था की तीसरी विशेषता। और एक बात यह भी समझ लीजिए कि आखिर ये सारे प्रावधान क्यों देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों मिलता है कि ऐसा क्यों हम देखते हैं कि सेंटर ज्यादा डोमिनेंट रोल में है, स्टेट थोड़े बैकफुट पे आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस किया था कि हमारे यहां जो राज्यों का गठन किया गया संघ की इकाइयों के रूप में, संघ की इकाइयों के रूप में राज्यों के गठन के पीछे मुख्य वजह हमें हमारे पास ये नहीं थी, या हमने मुख्य वजह यह मानते हुए नहीं निर्धारित किया था कि इन्हें वास्तव में शक्तियां देनी है, केंद्र की शक्तियों के साथ वाकई इन्हें साझेदार बनाना है, ऐसा उद्देश्य नहीं था। देश की विविधता की वजह से, विशालता की वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि संभव है आगे चलकर शासनिक प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, केंद्रीकृत सत्ता के रूप में पूरे देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना थोड़ा दुर्लभ हो सकता है, इसलिए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सहूलियत अपनाई जा सके, इस उद्देश्य से हमने संघ की इकाइयों का सृजन किया ताकि विकेंद्रीकरण को आजमाया जा सके। संघ की इकाइयों के रूप में जब राज्य गठित हो जाएंगे तो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन आसान हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य यह था। विविध प्रकार की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी लोगों की, इन राज्यों के माध्यम से वो पूर्ण हो पाएंगे। एनीवे, इसी अवधारणा पर जब संविधान शक्तियों का विभाजन करने लगा तो जाहिर सी बात है केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दिया, राज्यों को कम दिया। अब केंद्र के पास जो अधिशेष शक्तियां मिली वही आपको यहां पर भारतीय संघात्मकता की विशिष्टता के रूप में मैं दर्शा रहा हूं। तो देखते हैं अगली विशिष्टता क्या है। देखिए, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन भी लिख सकते हैं इसको, यानी इन द स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी, इन द स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एकात्मक जैसा प्रतीत होने लगती है। यानी देखिए, हमारी संघीय व्यवस्था जब भी एकात्मकता को प्रदर्शित करेगी आपको यह दिख जाएगा कि सेंटर डोमिनेंट रोल में आ गया, स्टेट बैकफुट पे आ गया, यानी सेंटर का केंद्र का वर्चस्व आपको दिखने लगेगा राज्यों के ऊपर। तो समझ लेना कि यहां पर हमारी संघात्मकता अब कौन सा रुख अपना रही है, एकात्मकता का रुख अपना रही है, लेकिन उसे हम एकात्मक नहीं स्वीकारेंगे, उसे हम यूनियन प्रकार की संघात्मकता की एक विशिष्टता समझेंगे, क्योंकि यूनियन प्रकार की संघात्मकता में केंद्र के पास तो ज्यादा शक्तियां होनी ही होनी है। ठीक है, तो देखो देश के अंदर इमरजेंसी किन किन परिस्थितियों में लागू होती है। देखिए, हमारे संविधान में तीन प्रकार की इमरजेंसी की संकल्पना व्यक्त की गई है, वन बाय वन करके हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जिसको बोला गया नेशनल इमरजेंसी, है ना, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ध्यान रखेंगे हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात की विवेचना अनुच्छेद 352 में की गई है, यानी आर्टिकल 352। ठीक है जी, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट्स रूल, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, यह भी एक इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी होती है। प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 356 में किया गया है।
और जो तीसरी प्रकार की इमरजेंसी है उसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय आपात, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका वर्णन हमारे संविधान में कहां किया गया है? अनुच्छेद 360 में, यानी आर्टिकल 360। पहले हम लोग देखते हैं कि इन तीनों ही तरह की इमरजेंसी में आखिर क्या होता है और कैसे केंद्र डोमिनेंट रोल में आ जाता है, प्रभावी भूमिका में आ जाता है और राज्य दरकिनार कर दिए जाते हैं। देखिए जी, अनुच्छेद 352 के तहत जब भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तब उस समय केंद्र व उसकी इकाइयां यानी राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की संकल्पना डिस्टर्ब कर दी जाती है, बाधित हो जाती है। यानी जो पहले शक्ति विभाजन होते आ रहे थे, अब जब तक आपातकाल रहेगा यानी राष्ट्रीय आपातकाल का दौर रहेगा तब तक वो शक्ति विभाजन डिस्टर्ब रहेगा। इस स्थिति में कहीं ना कहीं केंद्र समवर्ती विधायी क्षेत्राधिकार अक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है, कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिस्डिक्शन, जहां तक विधायी शक्तियों के बंटवारे का सवाल है, कार्यपालिकीय शक्तियों के बंटवारे के सवाल है, वित्तीय संसाधनों के विभाजन का सवाल है, यह सब कुछ बाधित हो जाता है। निसंदेह उस स्थिति में हमारी संघात्मकता कौन सा रुख ले लेती है? ऐसा रुख ले लेती है जैसे संविधान एकात्मक तरीके से व्यवहार कर रहा हो, और जब संविधान एकात्मक तरीके से व्यवहार करेगा तब सीधे सीधे केंद्र का डोमिनेंस दिखेगा, केंद्र का प्रभाव दिखेगा, केंद्र यहां प्रभावशाली भूमिका में आ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जब सेपरेट इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आर्टिकल 352 के तहत जो ये इमरजेंसी लगाई जाती है किस तरीके से लगाई जाती है, इमरजेंसी लगाने के लिए संसद की क्या भूमिका होती है, जब इमरजेंसी हटानी हो तब क्या भूमिका होगी, ये तमाम चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और नेशनल इमरजेंसी के दौरान केंद्र राज्य संबंध निलंबित हो जाते हैं, शक्ति विभाजन की संकल्पना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच, वो रोक दिया जाता है यानी वो डिस्टर्ब हो जाता है, केंद्र राइडिंग सीट पर आ जाता है, स्टेट बैकफुट पे रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 352 की जो परिस्थितियां हैं वो साफ साफ दिखाती है कि हमारी संघात्मकता में एकात्मकता का लक्षण जैसे उदित हो रहा हो। दूसरा 356, आप लोग बड़ी वाकिफ होंगे इस प्रावधान से, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो राज्य की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे किसके नियंत्रण में आ जाएगी? केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी। तो देखिए यहां पर संबंधित राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है क्या वो संघ की इकाई होने के नाते शक्ति विभाजन का हकदार बना रहा? यहां नहीं, जब तक राष्ट्रपति शासन का काल रहेगा तब तक सारे डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सब डिस्टर्ब कर दिए जाएंगे, सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे और राज्य की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे सीधे केंद्र अपने हाथों में ले लेगा। तीसरा एक और इमरजेंसी प्रोविजन है, वो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अगर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाए, जाहिर सी बात है वित्तीय आपात की घोषणा कब होगी? जब हमारी अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। अब जब अर्थव्यवस्था संकट में आ जाए तो जाहिर सी बात है उस स्थिति में देश में वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों की घोषणा करनी पड़ेगी। ऐसा अनुच्छेद 360 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है सीधे सीधे इसका प्रावधान करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही वित्तीय आपात की घोषणा होगी केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का वितरण निलंबित हो जाएगा। दूसरी बात,
किसी राज्य के जितने वित्तीय संसाधन हैं, अगर केंद्र चाहे कि नहीं भाई हमें इस वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, और बाहर तभी निकल पाएंगे जब किसी राज्य या राज्यों के वित्तीय संसाधनों का दोहन कर हम उसका इस्तेमाल करें, वित्तीय संसाधनों का उपयोग करें ताकि वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर आ सके। अब मान लीजिए किसी राज्य का संसाधन है, वित्तीय संसाधन, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सपोज इनके मिनरल रिसोर्सेस, ये वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों में कोई विरोध नहीं कर पाएंगे, और केंद्र चाहे तो इनके समस्त वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल वित्तीय आपातकालीन परिस्थितियों से उबरने में कर सकता है, यानी यहां राज्यों की कोई नहीं चलेगी। जरा सोचिए, केंद्र डोमिनेंट करने लगा कि नहीं, केंद्र यहां बिग ब्रदर की भूमिका में आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में, चाहे वो 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात हो, चाहे अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी हो यानी राष्ट्रपति शासन हो, प्रेसिडेंट्स रूल हो, या फिर 360 के तहत वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति हो, इन तीनों ही आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र वर्चस्वशाली हो जाता है, राज्य बैकफुट पे आ जाते हैं। केंद्र का जहां भी डोमिनेंस दिखे, केंद्र के डोमिनेंस को अक्सर एकात्मकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और चूंकि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है, और इस संघीय व्यवस्था में भी अगर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मकता उभार लेने लगे तो यहीं पर संघ की विशिष्टता परिलक्षित होती है, संघात्मकता की विशिष्टता प्रदर्शित होती है। समझ रहे मेरी बात? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारी संघात्मकता की विशिष्टता का। देखिए जी, आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252, ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 252 के तहत यह प्रावधान है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य आपस में यह मंत्रणा करें कि उन्हें कोई उभयनिष्ठ विधि चाहिए, मान लीजिए दो राज्यों में कोई विवादास्पद स्थिति हो और कोई भी राज्य यह ना चाहता हो कि सामने वाले राज्य द्वारा बनाए गए कानून का हम दोनों अनुपालन करें, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, सपोज दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2, ओके, पहले राज्य ने, चूंकि दोनों में मान लीजिए किसी तरह का डिस्प्यूट है, कॉमन डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट को तभी रिजॉल्व किया जा सकता है जब एक आम सहमति से भरा हुआ कानून बने और फिर उस कानून का ये दोनों अनुपालन करें। अब मान लीजिए कि एस कहता है कि मैं एक्स कानून बनाता हूं, चलो हम दोनों मानते हैं, एस टू ठुकरा देता है कि नहीं जी, आपके बनाए कानून हमें पसंद नहीं, हमारे लिए मान्य नहीं, हम बनाते हैं, यानी एस टू बनाता है वाई कानून, तब एस वन कहता है कि नहीं, हमें वाई मंजूर नहीं है, तब दोनों एक साथ बैठकर प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं, चलो हम लोग केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं और केंद्र से कहते हैं कि देखो साहब, हमारा यह मामला है और एक ऐसा कानून बनाइए जिसका हम दोनों अनुपालन करेंगे, आप अगर कानून बना देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और इस तरह से इनका प्रस्ताव केंद्र तक मान लीजिए पहुंचता है और फिर केंद्र इन पर, इनके संबंधित मुद्दे पर कानून बनाता है। तो देखिए, कानून केंद्र बनाएगा इनके निवेदन पर ही, और सपोज केंद्र ने कानून बना दिया जेड कानून, तो अब ये जेड कानून एस वन को भी मान्य होगा और एस टू को भी मान्य होगा, बनाया किसने? केंद्र ने, अनुच्छेद 252 इस बात का प्रावधान करता है, केंद्र ने बनाया, मान्य दोनों के लिए होगा। और मान लीजिए थोड़े दिनों बाद इनको ऐसा लग गया कि चलो अब हमारा मामला सलट गया, अब हमें ऐसे किसी कानून के अनुपालन की
कोई जरूरत नहीं है। ओके, और इन्होंने कहा केंद्र से कि भैया ऐसा है अपना कानून हटा लो। तो देखिए इनके निवेदन पे वो कानून तो बना दिया, लेकिन ये कानून कब तक लागू रहेगा ये निर्धारित करने का अधिकार ना तो S1 को है और ना ही S2 को है। ये कौन डिसाइड करेगा? केंद्र डिसाइड करेगा। और जब तक केंद्र चाहेगा कि नहीं ये कानून लागू रहना चाहिए, तब तक ये कानून लागू रहेगा, चाहे ये कितना भी विरोध कर लें। बताओ ये क्या दर्शाता है भाई? मामला तो इन दोनों राज्यों का है, अपनी सहमति से ही दोनों ने एक कंसेंसस के माध्यम से केंद्र से अपील किया कि हमारे लिए कानून बना दो, और केंद्र ने जब कानून बनाया इन्होंने फॉलो भी किया। मीनवाइल इन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, अब इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, फिर ये केंद्र से अपील किए, लेकिन अब केंद्र इनकी अपील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां तक कि केंद्र जब तक ये कानून जारी रखेगा तब तक ये उस कानून को फॉलो करने के लिए बाध्य है। आप सोचिए, आपको नहीं लगता कि यहां पर हमारी संघात्मकता में कहीं ना कहीं केंद्र की प्रबलता दिखाई गई है, केंद्र की मजबूती दिखाई गई है? और यह मजबूती कैसा प्रतीत होती है? राज व्यवस्था की एकात्मकता के रूप में। खैर, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि स्वयं संविधान ही कई अवसरों पर हमारी संघात्मकता के अंदर एकात्मकता को जाहिर करने का अवसर प्रदान करता है, और यही हमारी संघात्मकता की विशिष्टता है। संघात्मकता की इन्हीं विशिष्टताओं को हम भारतीय राज व्यवस्था के एकात्मक पहलू बोल दिया करते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में व्याप्त एकात्मक पहलुओं की चर्चा करें, तो यहां एकात्मक पहलू आपको कहीं और नहीं ढूंढना है। हमारी संघीय व्यवस्था की जो ये विशिष्टताएं हैं जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं को एकात्मक पहलू के रूप में आपको निरूपित करना होगा। ओके, चलिए अगला एकात्मक पहलू देखते हैं, या तो इसे एकात्मक पहलू कह लीजिए या हमारी संघात्मकता की विशिष्टता को जाहिर करने वाले लक्षण। देखिए अगला पॉइंट, अभी कौन सा पॉइंट किए थे हम लोग? ओके, चौथा पॉइंट। चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं जो हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्टता को दर्शाएगा। देखिए आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 253 में वर्णित उपबंध, इसके तहत यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार किसी विदेशी देश के साथ वैश्विक संबंध में जाती है और संभव है उस वैश्विक संबंध का सीधे सीधे असर भारतीय संघ की किसी इकाई पर पड़ रहा हो, यानी भारत के किसी प्रदेश पर, राज्य पर पड़ रहा हो। अब असर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब यहां पर जिस प्रदेश यानी राज्य में आगामी वैश्विक संबंध का इंपैक्ट पड़ना हो, वह राज्य अगर चाहे कि भारत सरकार को हम कुछ सलाह दे दे, कुछ मशवरा दे दे कि नहीं जब इस संबंध में आप जाएंगे तो इन इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, अगर सामने वाला देश इस मुद्दे पर बात करना चाहे तो आप उसे नकार देंगे, आप केवल यही यही बातें उससे रखवाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा कहे और केंद्र उसे मान ले, यह आवश्यक नहीं। भले कितना भी इंपैक्ट पड़ना हो किसी राज्य पर, राज्य की सलाह को मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भारत व बांग्लादेश के बीच अगर किसी मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता होनी हो, अब जरा सोचिए भारत बांग्लादेश के बीच जो भी संबंध होगा या जो भी संबंध डेवलप होगा उसका सीधे सीधे इंपैक्ट भारत के किस प्रदेश पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? निसंदेह पश्चिम बंगाल पे। अब मान लीजिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहां की लोकल नीड्स को जानती है, लोकल परिस्थितियों को जानती है, हो सकता है उसने इच्छा जाहिर की कि हम केंद्र को कोऑर्डिनेट करें कि नहीं साहब आप जब द्विपक्षीय संबंधों में बांग्लादेश के साथ जाना तो हमारी इन इन बिंदुओं को ध्यान रखना, और अगर मान लीजिए भारत सरकार ने उन बिंदुओं का ध्यान नहीं रखा तो पश्चिम बंगाल सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती।
यह अनुच्छेद 253 सीधे सीधे केंद्र को यहां वरीयता देता है। अब जरा सोचिए, अगर श्रीलंका से हमारा कोई संबंध स्थापित होना हो, नया संबंध, तो जरा सोचिए उसका सीधे सीधे इंपैक्ट कहां पड़ेगा, सीधे सीधे असर कहां पड़ेगा, तमिलनाडु पे या उत्तर प्रदेश पे? जाहिर सी बात है तमिलनाडु पे। तो आपको नहीं लगता कि वहां संबंधों में जाने से पहले तमिलनाडु की सरकार कोई ना कोई कंसर्न जाहिर करेगी, कोई ना कोई चिंता जाहिर करेगी? लेकिन उस चिंता को मानना या नहीं मानना यह केंद्र के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। केंद्र अपनी मर्जी से संबंधों को बढ़ावा देगा। यह क्या दर्शाता है? केंद्र का डोमिनेंस, केंद्र की वर्चस्वशाली प्रवृत्ति, और केंद्र को वर्चस्वशाली रुख अपनाने का अधिकार किसने दे दिया? देखो अनुच्छेद 253 यह भारत के संविधान का प्रावधान है, यानी स्वयं भारतीय संविधान देता है। तो अगेन आपको नहीं लगता कि यह हमारी संघीय व्यवस्था की विशिष्टता हुआ, संघीय व्यवस्था की विशिष्ट पहचान की तरफ इशारा करता है? आगे देखते हैं, आर्टिकल 155, बताओ केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संबंधित राज्यों के राज्यपाल। अब देखिए, राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वह कब तक अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्या दर्शाता है भाई? कोई व्यक्ति राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन उसे बैठाया किसके द्वारा जा रहा है? केंद्र के द्वारा। कब तक वो राज्य कार्यपालिका में बना रहेगा? जब तक केंद्र चाहेगा। आपको नहीं लगता कि यहां संघ का डोमिनेंस है, सेंटर का वर्चस्व दिखाया गया है यहां पर? समझ रहे ना मेरी बात? तो अगेन ये कहीं ना कहीं भारतीय संघीय व्यवस्था की एकात्मकता को दर्शा रहा है ना। इसी एकात्मकता को हम लोग क्या बोलेंगे? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्टता। यही नहीं, आर्टिकल 324 भारत के निर्वाचन के संदर्भ में, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो ना सिर्फ संसदीय चुनावों को आयोजित कराएगा बल्कि राज्य विधानमंडलीय चुनावों को भी आयोजित कराएगा। और नाम क्या दिया गया है आप देखेंगे, दिल्ली में निर्वाचन आयोग का भवन, वहां सीधे सीधे लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अब चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव ही क्यों ना कराना हो, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं कराएगा, कौन कराएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। ये क्या दर्शाता है? हमारी संघीय व्यवस्था में संघ का डोमिनेंस, जहां भी संघ डोमिनेंट रोल में आ जाए, केंद्र डोमिनेंट रोल में आ जाए, इसे संघात्मकता की विशिष्टता कहेंगे। और यह विशिष्टता एकात्मकता के रूप में परिलक्षित होती है। अगेन देखिए, वी हैव द प्रोविजन ऑफ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एकल समेकित न्यायपालिका, सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम और जुडिशियरी यू कैन राइट। और इस सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी में शिखर पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भी हूं। क्या नाम दिया गया है जो सबसे टॉप पे है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शब्द इंडिया किसका द्योतक है? सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीयकरण का, भारत। यानी अगेन इसके माध्यम से भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी संघात्मक व्यवस्था में एक एकात्मक झलक मिल रही है आपको। इसके अलावा क्या होगा? और यही नहीं, आप जुडिशियरी में एक और देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आमतौर पर राज्यों के स्तर पर होता है, लेकिन जरा सोचिए हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, चीफ जस्टिस हो या अदर जजेज हो,
उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड डोंट यू थिंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो अगेन ये किसकी तरफ इशारा करता है? एकात्मक लक्षण की तरफ। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर मान लीजिए उन्हें उनके पद से हटाना है, बेदखल करना है, तो उसके लिए संकल्प कहां पारित होगा? किसी राज्य विधानमंडल में या भारत की संसद में? ध्यान रखेंगे भारत की संसद में। अगेन ये क्या दर्शाता है? हमारी संघीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं एकात्मक उभार की तरफ इशारा करता है। और भी तमाम एग्जांपल है, जैसे देखिए शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, है ना? अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से सेंटर व स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन किया गया है, यानी केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और आपको बता दूं इन लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 अलग अलग सूचियों के माध्यम से किया गया है, 3 अलग अलग लिस्ट के माध्यम से किया गया है। एक को नाम दिया गया संघीय सूची या संघ सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरे को नाम दिया गया राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। और एक तीसरी भी है जिसे बोला गया कंकरेंट लिस्ट यानी यूएल सीएल एसएल। अब जरा देखते हैं इन सूचियों के माध्यम से जो केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची के हवाले से, क्या यह बंटवारा न्यायोचित है? क्या यह बंटवारा केंद्र का डोमिनेंस दिखाता है? अगर केंद्र का वर्चस्व दिखा रहा होगा तो तय मानिए इस संघात्मकता के अंदर विधायी शक्तियों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं एकात्मकता दिख रही है। इज इट ओके?